प्रिय किसान भाइयों बहनों नमस्कार, मैं आपका मुख्यमंत्री कमलनाथ बोल रहा हूं। आप सभी को नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कांग्रेस ने चुनाव के पहले वचन दिया था कि हम सरकार बनने के 10 दिन अंदर अपने किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे। हमने सरकार बनने के बाद पहले ही दिन पहला निर्णय किसानों के कर्ज माफी का लिया। कांग्रेस सरकार ने अपने प्रदेश के किसान भाइयों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ कर दिए हैं। जिन किसान भाइयों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन एनपीए कालातीत लोन था तथा दिनांक 12 दिसंबर 2018 तक पूरा या आशंकित रूप से पटा दिया था, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग 55 लाख किसानों का 50,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ होगा। जय किसान ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आज से शुरू है। सभी ग्राम पंचायतों नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आप ग्राम पंचायत नगरीय निकाय से आवेदन प्राप्त करें, उसे भरकर 5 फरवरी तक वही जमा कर सकते हैं। किसानों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत बैंक शाखा और सोसाइटी में प्रदर्शित है। सूचियों 2 प्रकार की हैं। जिन किसानों के आधार कार्ड उनके ऋण खाते से जुड़े हैं उनकी सूची हरे रंग की है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए उनकी सूची सफ़ेद रंग की है। सूची में प्रदर्शित किसानों को उसी रंग के फॉर्म भरने हैं जिस रंग की सूची में उनका नाम है। जिन किसानों का नाम हरे रंग और सफ़ेद दोनों रंग की सूची में नहीं है या उन्हें सूची में प्रदर्शित कोई तथ्य सुधारने हैं, उन्हें गुलाबी रंग का आवेदन पत्र भरना है। आवेदन जमा करते समय पावती रसीद भी किसानों को दी जाएगी। सभी किसान भाइयों आवेदन करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूरी तरह से भरा हुआ हो और उसमें कोई त्रुटि ना हो। आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें। किसान भाइयों की सुविधा के लिए आवेदन पत्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है। आप इस आवेदन पत्र की कटिंग काटकर एवं भरकर आवेदन कर सकते हैं। 22 फरवरी से सभी किसान भाइयों के ऋण खातों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप जय किसान ऋण माफी योजना में आवेदन कर इस योजना का लाभ अवश्य लें। मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं।